हेलो पीपल, मेरा नाम है रॉक्स एंड लेट्स हैव अ हाइपोथेटिकल थॉट। लाइक सब सोचो एक साथ मेरे साथ। इमेजिन करो कि तुम आज से, अभी से, इस सेकंड से यू कैन नॉट डू एडल्ट स्टफ एनी मोर। यस, यू कैन नॉट। आप एडल्ट स्टफ नहीं कर सकते एंड ये मत बोला कि तुम नहीं करते। तुम करते हो, तुम मेरे व्यूअर्स हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम एडल्ट स्टफ नहीं कर सकते एंड द रीजन बिहाइंड इट कि तुम्हें गवर्नमेंट ने मना किया है। फील्स वियर्ड, फील्स लिटिल लाइक कंफ्यूजिंग सिनेरियो कि गवर्नमेंट क्यों मना करेगी। यस, तुम्हें गवर्नमेंट ने मना किया है। अजीब लग रहा है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो ये जो वियर्ड सिनेरियो है, ये है आज के हमारे एनिमे का प्लॉट, शिमो नेता, अ बोरिंग वर्ल्ड वेयर द कंसेप्ट ऑफ डर्टी जोक्स डजंट एग्जिस्ट। ये सीरीज लेके जाती है सेंसरशिप को टू द होल न्यू लेवल व्हाइल डिलीवरिंग द मोस्ट फक्ड अप ह्यूमर। For me, शिमो नेता is kind of a hidden gem. बहुत सारे लोग हैं जो शिमो नेता जैसे एनिमिस को जानते हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना। शिमो नेता is quite a unique anime for itself too. शिमो नेता एक ऐसा एनिमे है जो एक्सप्लोर करता है एक dystopian society जहाँ पे एनी फॉर्म ऑफ लूडनेस या फिर explicit content is strictly prohibited. बहुत लोगों का ये मानना है कि शिमो नेता जैसा एनिमे हमें एक बहुत ही ह्यूमरस और फैन सर्विस से भरा हुआ एनिमे प्रेजेंट करता है विद अ वेरी इनप्रैक्टिकल प्लॉट, लाइक गवर्नमेंट हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को कैसे रोक सकती है। शिमो नेता का जो प्लॉट है, इट्स एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट डर्टी जोक्स। अगर हम थोड़ा देखें तो इट एक्चुअली ड्वेल्स इनटू द थीम्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोसाइटल नॉर्म्स एंड रेबेलियंस। ये एनिमे का प्लॉट बहुत ही क्लेवर तरीके से ह्यूमर को यूज करता है टू एड्रेस दीज सीरियस टॉपिक्स, जो इसको काफी ज्यादा इंगेजिंग बना देता है और हमें एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस देता है। एज अ इंडियन ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इंडिया लैक्स सेक्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर नॉट डूइंग एडल्ट स्टफ, वी आर टोटली डूइंग इट। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके बावजूद भी इंडिया में ऐसे टॉपिक्स पे बात करना एक बहुत बड़ा टैबू है। इट्स नॉट लाइक कि वी आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन लाइक इन दिस एनिमे, बट स्टिल ये एक सोसाइटल नॉर्म है कि हम ऐसी चीजों पे बात नहीं कर सकते। हम इतना कर रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिंग कि कितना सेफ है, कहां करना है, कैसे करना है। वी लैक एजुकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, सो बैक टू द एनिमे। कैरेक्टर्स आर वेरी मच लाइक अ मिक्स पर्सनालिटीज, लाइक उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी खासी लाइकेबल क्वर्की पर्सनालिटी से जो ऑलमोस्ट में सारे कैरेक्टर्स के लिए एक लाइकेबल थॉट्स लाता है। अगर हम हमारे मेन कैरेक्टर पे आ जाए, ओकुमा, सो ओकुमा आई रियली लव अ नाइव मेन कैरेक्टर। वो हमें एक एज अ सिटीजन सिंबलाइज करता है जो अपनी सोशल एक्सपेक्टेशंस और अपने पर्सनल डिजायर के बीच में फंसा हुआ है। एंड अगर हम हमारे मेन फीमेल लीड पे आ जाए जो है ब्लू स्नो, शी इज जस्ट लवली, शी इज बोल्ड, शी इज रेबेलियस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, शी इज क्यूरियस। उसकी क्यूरियोसिटी पूरे शो में मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लाइक आई नो उसको एक लस्टी और एक फनी वे में दिखाने की कोशिश की गई है, बट स्टिल आई लव हर। ब्लू स्नो एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन चलाती है कॉल्ड सॉक्स, जिसका काम है एडल्ट्री फैलाना। एंड देयर इज दिस अनदर कैरेक्टर कॉल्ड आना, एंड आई थिंक मुझे आना पे कम से कम बात करनी चाहिए फॉर माय ओन बेटरमेंट। बट स्टिल हमें आना के बारे में जो समझने की जरूरत है वो ये है कि आना का काम है एडल्ट्री को रोकना और ब्लू स्नो का काम है एडल्ट्री को और बढ़ाना। एंड विद वेरी फॉर्चुनेट रीजंस हमारा जो मेन कैरेक्टर है ओकुमा, वो एक तरफ आना के साथ एडल्ट्री को रोकता है और दूसरी तरफ सॉक्स का मेंबर बन के वो ब्लू स्नो के साथ एडल्ट्री को और बढ़ाता है। सो बेसिकली बोला जाए ही इज लाइक विजय। वो पहले विजय बन के सबसे घूस लेता था, फिर वो शहनशाह बन के सबको मारता था, राइट? ऑनेस्टली स्पीकिंग सुपरमैन का एग्जाम्पल अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। शिमो नेता का जो ह्यूमर है, इट इज अनडाउटेडली वन ऑफ इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये एनिमे आपको एक बहुत ही अब्सर्ड लेवल का फैन सर्विस से भरा हुआ ह्यूमर प्रेजेंट करता है। ये एनिमे बहुत ही क्लेवर तरीके से एक बहुत सटायरिकल टेक लेता है ऑन द टॉपिक्स ऑफ सेंसरशिप, पॉलिटिकल करेक्टनेस एंड वन ऑफ माई फेवरेट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। दिस एनिमे डिलीवर्स यू वेल्ड टाइम डर्टी जोक्स एंड सार्केज्म, जो थ्रू आउट द एनिमे अपने ऑडियंस को काफी ज्यादा एंटरटेन रखती है और एक काफी ज्यादा इनकरेजिंग रिफ्लेक्शन देती है टू द रियल वर्ल्ड इश्यूज। एंड अगर अब हम थोड़ा सा एनिमे पे बात करें, पर्टिकुलरली एनिमेशन पे, तो एनिमेशन इज प्रीटी मच वाइब्रेंट। बहुत अच्छे से ये कॉमेडिक एसेंस कैप्चर करता है सीरीज का। एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस है, ओवर द टॉप रिएक्शंस है, जो ठीक है, एक जेनेरिक एक्सपीरियंस देता है। आई विल नॉट से इट हैज अ रियली गुड एनिमेशन, बट आई विल से इट हैज अ रियली एवरेजली गुड एनिमेशन। काफी लाइवली और एक एंटरटेनिंग एटमोसफेयर बना देता है। एंड एज फॉर द क्रिटिकल व्यूइंग, मैं ये कहूँगा कि शिमो नेता इज अ टाइप ऑफ एनिमे जो ह्यूमर को एंड सोशल कॉम्प्लीमेंट्री को बहुत अच्छे से एक्सेल कर
करता है। बट स्टिल ये बोलने में मैं बिल्कुल एतराज नहीं करूंगा कि ये एनिमे सबके लिए नहीं है। सम व्यूअर्स मे फाइंड द कॉन्स्टेंट रेफरेंस ऑफ डर्टी जोक्स एंड फैन सर्विस लिटिल ओवरवेलमिंग। इवन मैं भी कुछ एनिमेस में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ जब बार बार फैन सर्विस आती है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि तुम एक ऐसे एनिमे को पसंद ना करो। एंड मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शिमोनेता का नैरेटिव बहुत सारी जगहों पे काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल फील होता है, बट हमें ये बोलना नहीं चाहिए कि ये जो सीरीज है ये ओरिजिनली 2012 की है एंड 2012 में ऑलमोस्ट सभी कुछ बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। इन द कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगा कि शिमोनेता इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे। लाइक ये काफी बड़ा बोल्ड अप्रोच है टू द कॉमेडी एंड सोशल कॉम्प्लीमेंट्री। ये बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम टॉपिक्स पे एनिमे है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट स्टिल ये काफी स्टैंडर्ड सीरीज बन सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी अंडररेटेड सीरीज है, इस पर हार्डली लोग कोई बात करता है। अगर आप सटायरिक कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं और आप माइंड नहीं करते एक्सप्लिसिट ह्यूमर को कंज्यूम करने में, सो डेफिनेटली शिमोनेता इज अ वर्थ अ वॉच सीरीज। इन द एंड पीपल मैं यही दुआ करता हूँ, यही होप करता हूँ कि गवर्नमेंट कभी भी एडल्ट स्टफ को बंद ना करे, बिकॉज अगर वो बंद हो गया तो लाइक मेरी दुकान नहीं चलेगी ना, तुम मेरे दो दिन रिव्यू क्यों देखोगे, है ना। सो दैट्स इट पीपल फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया पता चला हो, एंड प्लीज फील फ्री टू क्रिटिसाइज मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एनिमे मित्र मंडल से हमारा वीडियो शेयर करें, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।